સંબંધો ઉત્પન્ન કરે છે. Thank you.
Hare
Your time of your budget today is to have
कोई भी हो हुई राधा जी की मैं सेवा करूंगी, राधा जी की मैं यदि किसी के मन की बात को ध्यान दिया अनुरूप कमाना उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। कोई सतर्कता हुआ कोई भी व्यक्ति हो तो क्या करते सब्जस्ट खत्म उसका विषय कैसे होगा अर्थात राजा जी को ऐसे दासी बनेगी वो जल्दी से कृपा करके उसके शिक्षा को The Guru is like that Guru Gosvami has glorified the little son, young Kamrupi Raja, Kulayi Rishabhara Jaya, Prashasa Paksha Paralim, Anurudhya Bhana. Means that if the little Sati will recognize that in the heart of a person there is some desire to serve the lotus feet of Srimati Radhika, then she will pray on behalf of that person. And what will happen? Sadhyas Narishti Gatanega, Krita Vinyakti. At once, that person's desire will be fulfilled and they will become the Dasya of Srimati Radhika. आप हास्टिंग हैं आज राधा तत्व के संबंध में हो सबसे पहले रक्षामंद ब्रह्मचारी संक्षेप में 15 मिनट राधा जी के चरण में पुष्पांजलि दी। महाराज जी मुझे आदेश दिए हैं श्री
आराधना तत्व के ऊपर में कुछ कटाने के लिए, लेकिन राधा जी का जो तत्व है बड़ा गंभीर तत्व है। श्री प्रबलानंद सरस्वती श्री राधा रस सुधानी जी ने श्री राधा रानी की चरणा चरण कमल को वंदना करते हुए बता देंगे, ब्रह्मेश्वरादिशुदुर्भ पदारविंद श्रीमान पराग परमाद्भुत प्रबोधनंदीता चरण कमल ब्रह्मेश्वरादिशुदुर्भपदारविंद जिन पर चरण कमल ब्रह्मा के लिए भी बड़ा दुर्लभ है, ब्रह्मा भी जिनको चरण कमल के लिए वो भी कठोर तपस्या करते हैं ब्रह्मा स्वयं। इसलिए हम लोग को बता दें कैसे ब्रह्मा कृष्ण का बछड़े और सखा को चुराया, बाद में जब उनको पता चला कि पराग पर तत्व है कृष्ण पर चरण में कितने उन्होंने नाक रगड़े और नाक उन्होंने यही प्रार्थना किया, पहले जो उन्होंने वंदना की ब्रज में कोई पशुपति रूप में मेरा जन्म हो, बाद में देखा मेरा इतना सौभाग्य नहीं ब्रज में कोई पशुपति रूप में मैं जन्म ग्रहण कर सकूं, लास्ट में उन्होंने यही प्रार्थना किया सदपुरी भाग्य जन्म तुम अटल जा गोकुल का बाहर में जहाँ पर छोटे जाति का लोग रहते थे वहीं पर हुए पत्थर जन्म उन्होंने प्रार्थना किया है। इसलिए ब्रह्मा स्वयं हमारे ब्रह्माचल पर्वत रूप में बरसना रूप में राधा की कृपा को प्राप्त करने के लिए स्वयं बरसना बने, मेरे ऊपर में राधा रानी के चरण की स्पर्श हो और सुंदर सुंदर लीला आदि हो, इसलिए स्वयं ब्रह्मा हुए बरसना रूप में प्रकट हुए है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मेश्वरादि, इसलिए ब्रह्मा भी उन्होंने जब कृष्ण का स्तुति करते समय पहला श्लोक में भी उन्होंने राधा जी की वंदना की है, जिसको जीव गोस्वामी जिस चीज को वर्णना करते हैं नौ मीटर अप्रपुष्टराय गुंजावतन सपरिकुशल मुखाय, ये श्लोक को जीव गोस्वामी कहते हैं राधा जी की वंदना है, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता है अगर राधा जी का कृपा नहीं हो तो श्री श्याम सुंदर मुझे कृपा नहीं करेंगे, इसलिए जीव गोस्वामी बड़े सुंदर रूप में इसलिए उसमें पशुपान में जाय उसी श्लोक में कहते हैं कहते पशु को कौन है कहते वृषभानंद महाराज, कहते उनको अंग से जो चाय जो प्रकट हुई कौन है कहते श्रीमती राधा रानी है, इसलिए वहाँ पर कृष्ण के लिए नहीं लेते हैं लेकिन गुप्त रूप में क्योंकि सुखदेव गोस्वामी की इच्छा श्री राधा रानी है, इसलिए जब वे भागवत को वर्णना करते समय राधा रानी से प्रार्थना करते हैं हे स्वामी युग आपका घनों महिमा को श्रीमद भागवत में हम किस रूप में वर्णना करें, राधा रानी का आदेश है डायरेक्ट रूप में मेरा नाम को ग्रहण करना, इसलिए भागवत में रमा श्री लक्ष्मी बधु तार गोपी विभिन्न रूप में श्री श्री सुखदेव गोस्वामी विभिन्न रूप में प्रकाश करते हैं, इसलिए कहते ब्रह्म स्वरादि सुदुरुह पदारविंद, कहते जो राधा रानी के चरण कमल ब्रह्मा के लिए भी बड़ा दुर्लभ है, कहते ब्रह्म स्वरादि शंकर के लिए भी जब भगवान बंसी ध्वनि की शंकर भी स्वयं गोपी बन करके आए गोपी भी बने, लेकिन जब भगवान रास करते समय उनको भी ब्रज गोपियों ने चोटी पकड़ कर निकाल दिया, इसलिए जहाँ पर शंकर जी वृंदावन में क्षेत्रपाल रूप में ब्रज के बाहर बैठे हुए हैं, इसलिए उनको भी रास जाने राधा की कृपा प्राप्त शंकर के लिए भी दुर्लभ है, ब्रह्मेश्वर आदि आदि शब्द उद्धव है, इसलिए उद्धव की ब्रज में आए ब्रज में आकर उन्होंने ब्रज गोपियों के उन्होंने महिमा को उन्होंने दर्शन किया है, लेकिन दर्शन करते उन्होंने आशा मंगो चरण रेणु बंदे नक्त ब्रज स्त्रिया एता पराम अनुभूत करते करते वहां पर जो रेणु शब्द है श्री राधा रानी की एक वचन की केवल राधा जी की उन्होंने कृपा को प्रार्थना की, फिर महाराज जी कहते हैं उन्होंने कृपा को प्रार्थना किए हैं ब्रज में चला है लेकिन हर समय के लिए नहीं रहे, उन्होंने ब्रज गोपियों को विदा की जब उन्होंने भ्रमर गीत में जो सज्जल पीजल अभिजल प्रजल जो दस्तर का भाव है उनको विरह की ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं इतना विरह को साथ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उनका बाद में लोग आगे बतुरा, इसलिए कहते हैं जो राधा जी चरण का मान ये उद्धव के लिए भी बड़ा दुर्लभ है, उद्धव को भी प्राप्त की जो वस्तु है,
और परमेश्वर आदि आदि शब्द नारद है, तथा नारद भी नारद कुंड में वहाँ पर भी गिरिराज के तलहटी में जहाँ पर नारद स्वयं वहाँ पर राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए वहाँ पर भी नारद के गोपी रूप में उन्होंने वहाँ पर साधन भजन किए हैं। और ब्रह्मेश्वर आदि सुगत आदि स्वर आदि आदि जो ईश्वर जो कृष्णा है, कभी कभी राधा रानी के चरण कमल कृष्ण के लिए भी दुर्लभ हो जाता है। कृष्ण भी तो चरण कमल कभी कभी राधा रानी के लिए बात कर बैठ तो जहाँ पर श्याम सुंदर स्मरण गर्व खंडनम मम शिरसि मंडनम दही पद बल्लभ मुदार, जहाँ पर श्याम सुंदर तरह तरह से वेश को बनाते हैं, एक बड़ी कृष्ण कभी श्यामा सभी तरह तरह का रूप बना करके राधा रानी को मनाने के लिए स्वयं श्याम सुंदर भी जहाँ पर कभी कभी इनके लिए दुर्लभ होता है। किस समय उन्होंने कभी किसी कारण से श्री श्याम सुंदर उनको संकेत था जहाँ पर राधा रानी आकर के मिलने वाली थी, जहाँ पर श्याम सुंदर आकर कुंज बनाए, जब कुंज बनाए लेकिन अभी श्री ईश्वर जी नहीं आए, अभी कृष्णा बड़े छटपटा आते हैं, कभी कुंज को बाहर जाते हैं अंदर में आते हैं। श्याम सुंदर कहते ललिता क्या बात है, श्री ईश्वर जी क्या हमारा बड़े बिगड़ी हुई है, क्या नाराज है, कल हो सकता है नाराज होगी, मेरे को क्या करनी चाहिए, क्या देखो किसको प्रसन्न करना तो इष्ट मंत्र जब करना पड़ता है, कहते क्या बताओ। फिर राधा जी से उन्होंने किए ललिता से विशाखा से को राधा मंत्र को श्याम सुंदर लेकर के स्वयं श्याम सुंदर कुछ बैठ करके राधा के मंत्र को जब करते हैं। कभी कभी श्याम सुंदर कभी कभी राधा जी को कृपा प्राप्त करने के लिए राधा कुंड में त्रिसंध्या और स्वयं स्नान करके राधा मंत्र को राधा कुंड में श्याम सुंदर कभी कभी जब करते हैं राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, लेकिन राधा जी का मंत्र जब किए तो राधा जी नहीं आ रही। अभी श्याम सुंदर पूछे क्या बात है राधा रानी क्यों नहीं आ रही, कहते लगता है आपका मंत्र सही से जप नहीं हो रहा है, ठीक से जप करो मन चंचल से जप करने पर थोड़ी राधा की कृपा से ठीक से जप करो। श्याम सुंदर बड़े गंभीर चिंता से जप कर तभी नहीं आती, कहते क्या करो, कहते मंत्र जब से कीर्तन का सर्वश्रेष्ठ तो कीर्तन की है इसलिए कीर्तन करो। अब श्याम सुंदर ब्रज गोपियों को लेकर के वृंदक और मजरा के मृत रचना लगाए राधा नाम, श्याम सुंदर स्वयं राधा रानी की कीर्तन करते हैं, जब कीर्तन करते हैं फिर कीर्तन करते राधा रानी थोड़ी दूर थी तो राधा रानी पास में थी, जब श्याम सुंदर कीर्तन करते करते एकदम विभोर हो गए फिर स्वयं श्री किशोर जी स्वयं वहां पर प्रकट हो करके वहां पर दर्शन कहते ब्रह्मेश्वरादिंदम प्रभुदास कहते हैं जो राधा के चरण कमल आदि स्वर जो स्वर्ण कृष्ण है उन्हीं के लिए भी कभी कभी उनके चरण कमल कभी कभी दुर्लभ हो जाता है, उनको भी प्राप्त करना दुर्लभ होता है, ऐसे श्री राधा रानी का चरण कमल है और ऐसे राधा रानी की महिमा हो गई। इसलिए ब्रह्मेश्वरादि सुदुरु इसलिए स्वयं कृष्ण ही जब ब्रज लीला के बाद में कृष्ण स्वयं जब गोलक वृंदावन में गए गोलक वृंदावन में बैठ बैठ कर सोच रहे हैं कि सब चीज को मैं इनका आस्वादन किए मेरा मन में जो इच्छा थी लेकिन तीन चीज तो मेरा दिमाग से बाहर चला गया, वो क्या है कहते राधा ने आप प्रणामय मां की दृश्य जिन अद्भुत मधुर मां की, इसलिए जिस कारण वजह से जिस चीज को राधा रानी के अंदर में ऐसे कुछ वस्तु है जो चीज को श्याम सुंदर को उपलब्ध नहीं, इसलिए श्याम सुंदर स्वयं कलयुग में राधा महारूपी सुबलिता नवमी कृष्ण स्वरूप, इसलिए कलयुग में स्वयं हुए चैतन्य महाप्रभु रूप में कृष्ण राधा रानी भाव को आस्वादन करने के लिए वो कलयुग में कृष्ण स्वयं आते हैं, ऐसे राधा रानी की श्री चरण कमल है। इसलिए कहते ब्रह्मेश्वरादि सुदुर्व पदारविंदम श्रीमद् पराग परमाद्भुत वैभवया कहते राधा रानी की जो चरण की रेणु है तद अद्भुत महिमा है, जिसके लिए कोई ऐसी क्षमता नहीं था, मैं तो श्याम रंग में रही हूँ तो एक पद है, लेकिन वो ब्रज में पद आने पर जब सुंदर पद था जिसको सुन करके सारे ब्रजवासी और ब्रज के रसिक संत तो विभोर हो गए, लेकिन वह श्लोक जब जीव गोस्वामी को पास में आया जीव गोस्वामी उसका आंसर दिया कहते इतना आसान नहीं, मैं तो श्याम रंग में रंगी है, अगर श्याम रंग में रंगना तो तुमको पहले तीन चीज को जीवन में आधार बनाना पड़ेगा, कहते क्या है तब जीव गोस्वामी उसको उत्तर देते हैं अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम त
गोविंद असंभास तद्भाव गंभीर चितान उतः श्याम सिंधु रसस्यावगाओ। तो बोलते श्याम रंग बिरंगी, इतना आसान नहीं कृष्ण रंग बिरंगोगे। ये तीन चीज को अपना जीवन में सर्वस्व बनाओ। अनाराध्य राधा बदाम ध्वज रेणु, जब तक राधा रानी की चरण रेणु को जब तक तुम आश्रय नहीं करोगे, और राधा रानी के चरण को अंकित श्री वृंदावन धाम को जब तक आश्रय ग्रहण नहीं करोगे, जब तक सबसे बड़ी वस्तु है राधा रानी को चिंता में राधा रानी के प्रेम रस में सराबर हुआ ऐसे संतों का चरण कमल को जब तक उनको चरण में अभिषिक्त नहीं हो जाओगे, कुतः श्याम सिंधु रस श्याम बताओ, कहां वो श्याम सिंधु में तुम अवदान कहां कर सकते हो। इतना आसानी नहीं, श्याम रंग में तुम डूब जाओगे, इतना आसानी नहीं। इसलिए राधा रानी जो चरण जो भूल है प्रवर्तन स्वरूप कहते बड़ा अद्भुत है। इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते हैं जब तक राधा रानी के चरण कमल का आश्रय नहीं करते तब तो कोई वो कृष्ण का कृपा और वो मंजर पद को कोई प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए राधा रानी के चरणों का आश्रय करने पर ही उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए भागवत में विभिन्न रूप में श्री किशोर जी के विभिन्न रूप में उनको सुखदेव गोस्वामी उनको महिमा को वर्णना किया, जिसको जन्मादश यह श्लोक को द्वारा भी वो कैसे हमने बहुत बार उस चीज को व्याख्या किया है, कैसे सप्तम परम विमय रूप में सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले राधा रानी के चरण कमल को सबसे पहले वही वंदना करते हैं राधा रानी के चरण कमल की महिमा को। और श्री रायरामायण का संवाद में हम देखते हैं जहाँ पर वो भक्ति की वर्णना करते करते जहाँ हुए वो भी प्रेम की महिमा को वर्णना करते हैं, तासान आविर्भूत सौरी स्मयमान मुखा पूजा पीताम्बर रसार की साक्षात मनमत मनमत। दास लीला करते करते जब ब्रज गोपियों ने वो भी गीत को गाए श्याम सुंदर कैसे मनमत का मनमत रूप लेकर के कैसे ब्रज गोपियों को अंदर में प्रकट हुए, तासान आविर्भूत सौरी स्मयमान मुखा पूजा पीताम्बर घर सर की जैसे किसको चरण में अपराध करने पर जैसे गलवस्त्र दे करके और हाथ को अंजलि बद्ध करते हुए जैसे प्रकट होते हैं, श्याम सुंदर अपना को बड़े दोषी मान करके उनको सामने प्रकट होते हैं। फिर उन्होंने उदाहरण देते हैं नायब श्री और नितान करते हैं प्रसाद ब्रज गोपी को जो महिमा जो सौभाग्य सौभाग्य देवता का स्त्री और स्त्री को लक्ष्मी को जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। फिर तीसरे श्लोक को उदाहरण देते हैं चौथे से चार श्लोकों को राजा मनु उदाहरण दिया ब्रज गोपियों को प्रेम की महापुरुष सुन करके तुमने साधावधि को वर्णना किया है उसको ऊपर है तो कुछ बताओ। फिर वे राधा रानी प्रेम को वर्णना करते हैं अनयाराधि तनु नाम और जगह राधा प्रियम कुंडम प्रियम ये दो श्लोकों को नहीं हाँ तुम तो बहुत अच्छा बताया है लेकिन यहाँ पर श्याम सुंदर राधा रानी को छुपा करके लेकर गए उसमें प्रेम की प्रकाश नहीं होता है ऐसे कोई श्लोक का उदाहरण दो। ब्रज भूमियों का अंदर में कृष्ण सर्वश्रेष्ठ राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है कोई एक स्पष्ट श्लोक का उदाहरण दो तो वे संसार वासना संसार बद्ध श्रृंखला उन्होंने गीत गोविंद श्लोकों को उदाहरण दिया कैसे रास लीला का बीच में हाँ कैसे श्याम सुंदर राधा रानी को अपना गोद में लेते हुए कैसे रास से चले जाते हैं और कभी कभी राधा रानी जब चले गए श्याम सुंदर कैसे राधा रानी को विरह में हा राधे हार ईश्वर जी तुम कहाँ तुम तो पागल होकर कृष्ण रो रो करके कुंज कुंज में से ईश्वर जी को ढूंढ रहे इसको सुन करके महाप्रभु तो प्रसन्न होंगे। जहाँ पर राधा रानी की प्रेम की सर्वोत्तमता को जहाँ पर उन्होंने निर्पण किया है ऐसे ही भागवत में बहुत सारे श्लोक है बहुत सारे श्लोक है जिसमें राधा रानी की बड़ी सुंदर महिमा श्री लक्ष्मीदेव गोस्वामी वर्णना किया है। हम तो पहले मैंने शुरुआत किया अभी हमको तो बोला ही नहीं अभी इसलिए राधा रानी की अपरंपर महिमा है सारे वेद वेद रामायण चैव पुराण भारत तथा आज्ञा बनते राधा सर्वत्र किए राधा रानी को छोड़कर शास्त्र में कुछ है नहीं इसलिए राधा रानी की महिमा अपरंपर श्री महाराज जी के चरण कमल हम वंदना करते हैं राधा जी की महिमा कभी महाराज जी कृपा करे कभी हमको लेकर के रघु गोस्वामी के चरण में फिर वो ललिता सखी फिर कभी राधा जी के चरण में कभी गुरुपाद पद में हमें फिर पहुंचाएंगे पाठशाला गुरु भक्त की प्रार्थना करते हैं।
should not down what they are telling. Aranya. What he has told. What he tells. Take some patience. श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले महाराज जी कृपा करके मुझे आदेश देने चौहान राजमंदिर में श्रीमती राष्ट्र के तत्व के ऊपर कुछ प्रभाव अभी मेरे पूर्वोत्तरी वक्ता ने राधा राव सुधानी जी से एक श्लोक उठा करके अपूर्व व्याख्या की जिसमें प्रहलानंद सरस्वती महाराज जी कहते हैं जो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनके चरण कमल की धूली बनाकर जाए प्राप्त करने से कहां तक वर्णन कर पाएंगे जो ब्रह्म स्वरूप आगे जिसका लक्ष्य ही राधि का नशा पुष्ठ सत्यो अनंत सत्य तम राधि का चंद्र रेणु गुरु स्मरा प्रवतानंद सरस्वती पाद कृष्ण लंग राधा गृह तुम विद्या सुखी होकर आज इस भौम जगत में एक दिन सागर के भांति कैसे वंदना करें ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवताओं के श्री दुर्लभ मधुसूदन कभी इस पल के ध्यान में कभी आदते कभी नहीं भी आया और वही मधुसूदन के जो कृष्ण कृष्णमती राधि का अपने प्रेम के द्वारा कैसे प्रतिभूत कर लिए सत्यो अनु सत्य तम राधि का चरण रण अनुस्मरा ऐसे राधि के धुरी बना चरण कमल के धुरी बना को मैं सदा सर्वदा स्मरण एवं वंदना करता हूं तथा गुरु वचन के आदेश श्रद्धा जो करते तो वो एक शब्द के द्वारा केवल अपने वाणी को मैं शुद्धि कर सकता और उनके आदेश पालन भी छप जाया शास्त्र में इस प्रकार वर्णन करते गौर तेज विनाजस्तु सैम तेज समय जमे पाते बापी सा भवित पातकी सिवे गौर तेज जपित बिना गौर तेज जानी गौर तेज यानी श्रीमती राधिका के आराधना बिना जो कोई अभिन कृष्ण के आराधना करते ताकि उसके समस्त साधन भजन निष्फल भवे समस्त कुछ निष्फल हो जाता है। इसलिए हमारे भक्तगण ठाकुर जी वर्णन कर रहे राधा भजन यदि मति नहीं भेल कृष्ण भजन सवा अकार आत्म रहित सूरज नहीं मान राधा विरहित माधव नहीं मान इस प्रकार क्यों ना ठाकुर भी शास्त्र से प्रमाण देकर के वर्णन कर इसलिए राधा जी की चरण कमल के आश्रय बिना कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए राधा जी तत्व दुर्लभ के पर भी हमारे आचार्य कृष्णदास कविराज राधा तत्व सुंदर रूप में चैतन्य चरितार्थ में वर्णन किया आदि लीला चतुर्थ परिचय मध्य लीला अष्टम परिचय और रथ यात्रा प्रसिद्ध यह राधा तत्व की महिमा सुंदर रूप में वर्णन किया जिस प्रकार हमारे श्री गुरु महाराज जी ने आनंद से कृष्ण प्राप्त अत्यज्ञान प्रसत्त प्रजन्द की महिमा को वर्णन करने श्री महाराज यह बताया कृष्ण सचिदानंद सत चेत आनंद
स्वयं बलदेव प्रभु संदेह शक्ति के अधिष्ठात्री देवता और कृष्ण चित शक्ति के अधिष्ठात्री देवता और स्वयं सहान रागरंदनी वो राधे शक्ति के अधिष्ठात्री देवता। इसलिए श्रीमती राधा जी के आनंद प्रणाम करके आनंद के द्वारा ही कृष्ण स्वयं नृत्य करते हैं और जीवों को भी आनंद प्रदान करते हैं। आनंद शब्द ही प्रधान सताया क्यों जब संसार अप्राकृतिक जगत में जो आनंद उसके जो पांडवे रेफरेंस था इस जगत के जिस पावे जो आनंद जिस चढ़ानंद के द्वारा जीव इस संसार में माया के द्वारा मोहित होकर रहा है और अप्राकृत जीव जगत में आनंद जिस आनंद के द्वारा स्वयं कृष्ण रिक्त करते हैं और जीवों को भी आस्वादन कराते हैं। इस प्रकार कृष्ण आनंद सत्य नारी सर्व स्मृति राधे की महिमा सर्वत्र ही वर्णन किया। कहते कृष्ण प्राप्त तत्व जिसके कोई मजबूत कर नहीं पाते हैं जिसमें हमारे श्री रसूल एक श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में सोनकादि के रूप शुद्ध गोस्वामी पाद जब वर्णन करते जा रहे हैं वर्णन कर रहे हैं बुद्धाम भाव भिषुना मदुर गुहास पीड़ा मदन भूपिजास समुच्चता प्रमोदोत्तम तस्ता इंद्रिय विमधु कूपे न सोई सुनसुई पाद सुन आदि के निकट वर्णन करते हैं उत्तम भाव विष्ण मलबल को हास केवल वहीं से तारक में रहने वाली कृष्ण के नित्य जो प्रिया अर्थात महिष उनके उत्तम भाव विष्ण मलबल को हास विरावर धोकन ऐसे सुंदर मुखार वृंद जिनके उत्तम भाव समुद्र के उत्तम तरंग के भांति जिनके भाव लहरिया चलती रहती है और जिनके तीक्ष्ण नजर के नजर आदि के द्वारा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग भी नमन स्वर्ण बड़े बड़े देवता लोग भी मुझ मान शिव जी भी अपने पिनाक भी त्याग देते हैं और स्वयं कामदेव भी उनके सुंदर जो माधुर्य शरीर देख करके कामदेव मोहित हो जाते हैं। ऐसे वो समस्त महिषी के रूप वर्णन कर रहे हैं किन्तु नशेतु किन्तु वह पर ब्रह्म कृष्णचंद्र के भी वह सप्त मां रूपिणी आदि जो पाठ रही उसी को आज ब्रज में और सुहाम राजरंदे श्रीमती राधिका कैसे मजबूत कर रही है बड़ी कारण जिसके लिए कृष्णचंद्र अपने मयिभुच्छ अर्थात अपने मयिभुच्छ और चूड़ा आदि और वेणु आदि श्रीमती राधे के चरण में उपढोकर रूप में देकर के कैसे काफी विनती होकर के प्रार्थना भी करते जिससे हमारे श्री जयदेव गोस्वामी पाद वर्ग स्मरण खननम मम शिर स्मरणम देही पद पद्म उदारम इस प्रकार राधे के चरण में प्रार्थना भी करते कुंज कुंज में आने में देर होने से नागरी कैसे राधा जी कैसे कैसे भक्त आदि वर्णन आदि करते जिसमें हमारे गोस्वामी वर्ग अपने अपने ग्रंथ में राधा जी के कैसे सुंदर महिमा करते कारण क्या कहते हमारे रूप गोस्वामी पाद उज्जवल इनमयी ग्रंथ में इसको वर्णन करते सर्व सर्व उल्लास भाव उल्लासमयत्र श्रीमती राधा जी ने मादरत्व महाभाव के महाभाव के मादरत्व महाभाव के पराकाष्ठा एकमात्र श्रीमती राधा जी में विराजमान है जिस भाव के द्वारा परापरमात्मा एकमात्र कृष्ण जी है वो मजबूत कर रहे इसलिए कहते हैं ये भाव को श्रीमती राधा जी इस राधा जी से कृष्ण के मजबूत कर रखते हैं निगम तरुण वसित पति की नंद नंदने पदा करी सस्मान कृपा कटाक्ष भाजनम जिस समय हम लोग कीर्तन प्रत्यह इस कीर्तन का हम लोग कीर्तन करते हैं ये राधा कृपा कटाक्ष श्रीमती राधा जी किस प्रकार अपने कटाक्ष रूपी पान के द्वारा श्याम सुंदर के मजबूत कर लेती है जिसमें हमारे आचार्य उपास वर्णन करते हैं राधा और सुधा नदी में तब केवल उनके मान रूपी कटाक्ष पाद
मानवीय प्रकाश मानवीय और प्रकाश के द्वारा श्याम सुंदर विमुचित सब श्याम सुंदर विमुचित हो जाते मूर्छित होकर जाते हैं, जिनको के पीतांबर स्फुलित हो जाते हैं, दुष्यंत पीत वसनम और उनके पीत वसन स्फुलित हो जाते हैं और उनके मूल मुकुट जो है गिर जाते हैं, इस प्रकार मूर्छित होकर पड़े जाते हैं। ऐसे काम में महारण में मुझे होंगे संस्कृत पड़े रहते हैं। उस समय उनके जनित सहचरिया मंजिल है रूप मंजिली वह माधव नाम रस के द्वारा और नाम कैसे सुंदर स्वरूप आदि के द्वारा राधे की सेवा करें, उसी प्रकार श्याम सुंदर के मुछ आदि रुद्र प्राप्त जिस समय श्री महाराज जी कृपा करके भगवान हस्त ग्रंथ में कैसे सुंदर इसके स्वरूप की व्याख्या इस वर्ष राधे के महिमा जिस समय आचार्य प्रसाद जी वर्णन करते हैं ऐसे को हमारे दिन होगा जब मैं राधा जी की कृपा प्राप्त तो में पाकर के राधा जी के निकट से ही अनेक प्रकार के संगीत आदि श्रवण करेंगे जिसमें अभी अभी जैसे पिछले साल महाराज जी वर्णन किया था ललिता सप्तम के दिन जो किस प्रकार ललिता ललिता जी के कृपा से और ऐसे में राधा जी की कृपा प्राप्त मैं करूंगा जिससे राधा जी के निकट जा करके अनेक प्रकार के पहन प्रहरी का संगीत आदि सब श्रवण करके और शिक्षा आदि प्राप्त करके राधा गोविंद के निकट रहस्य लीला में उनको मैं सेवा आदि प्रदान करूंगा। ये सोच कर भावना हमारे आचार्य गोस्वामी के हृदय में भोग्य वैष्णव और भोग्य वैष्णव छोड़ करके और किसी संप्रदाय में ऐसे सुंदर जो माधुर्य रसिक माधुर्यता व्याख्या नहीं है। ये सोच हमारे विशेष अवदान जिसके रूप गोस्वामी पाल के अवदान भी बताते हैं। सिर्फ रूप गोस्वामी पाल ऐसे सुनकर उदाहरण लेकर के उज्जवल मिल के ग्रंथ में कैसे कैसे राधा के भाव वही मत वर्णन किया इसलिए कहते हैं राधा जी मत प्राप्त कर सकते हैं, राधा जी के द्वारा ही हम लोग कुछ कृष्ण के पास कर सकते हैं। इसलिए हमारे ठाकुर कीर्तन मिल रहे हैं राधा कृष्ण नाम के द्वारा राधा जी प्राप्त होता है और राधा जी के नाम के द्वारा कृष्ण प्राप्त आचार्य पाद इस पर अभी वर्णन करते हैं हम लोग किस प्रकार के राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। इस प्रकार कहते हैं एकमात्र हमारे प्राण प्रियतमा स्वामी श्रीमती राधा रवि अनुगत सेवा ही प्रदत्त कृष्ण की ही सेवा है। इसलिए श्री विनोद एक भक्ति शास्त्र प्रभुपाद अपने उपदेशामृत में यह लिखते हैं एक ही विषय विग्रह परापर के विषय विग्रह कृष्णचंद्र की हम लोग सेवा करेंगे विश्वमानी श्रीमती राधा के अनुगत चाहे विषय विग्रह कृष्ण के सेवा आश्रय विग्रह स्वरूपिणी श्रीमती राधा के अनुगत में सेवा ही भजन के एकमात्र स्थान है। इस प्रकार राधा के महिमा सर्वत्र वर्णन किया अधिक समय के लिए वैष्णव वृंद राधे के महिमा और राधे कैसे सुंदर मुसलमान भी वर्णन करेंगे। इसमें मैं श्री महाराज के चरण कमरे में ही प्रार्थना करता हूँ कभी जीवन में ऐसे सुयोग मिले उनकी कृपा कटाक्ष प्राप्त करें और ऐसे सुंदर माधुरी कथा आदि उनके चरण कमल चरण सरोज में बैठ करके श्रवण करें यही हमारी मन की आशा है। इसलिए कहते हैं कि जैसे हमारे गुरु भक्ति प्रसाद ने वही जगन्नाथ कृष्ण कृतज श्लोक अनाश्रित तत्व गंभीर श्याम सुंदर इसके यदि श्याम रस यानी श्रृंगार में प्रवेश करने की लालसा हो तो तीन उपदेश अवश्य ही पालन करें वृंदावन में वास और रसिक वैष्णव चरण की और बैठ करके उनके अनुगत में वास और राधे के चरण आश्र ये तीनों के पालन ही हम लोग के उद्देश्य है। जिस बारे में उपनादस के उपदेश अमृत में एक बात है उपदेश अमृत का नाम उनको चिंता प्रवीण और अपराणी मनुष्य तिष्ठन ब्रजे राम रागी जनानुगामी काल विनय रत्नम उल्लास बाबू उल्लास उल्लास
Om Gyanam Gyanam Samadhyaya Chakshuru